एक बहुत बड़ी उथल पुथल मची हुई है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अब ये मामला पहुंचने लगा है। दरअसल आज 73 दिन हो गए, 73 दिनों से भारत के 8 नेवी के अफसर और नेवी के लोग कतर में कैद हैं और ये बिल्कुल रहस्यमय तरीके से हैं। तो वहीं इस मामले में इजराइल और पाकिस्तान की भी एंट्री हो रही है। क्या पाकिस्तान ने भारत के इन एक्स नेवी अफसर्स के साथ कुछ बड़ा खेल किया है? तो वहीं कतर के ऊपर फ्रांस और जर्मनी क्यों टूट पड़े हैं? बहुत सारा मामला हो रहा है, कतर में इस वक्त पाकिस्तानी सेना भी है। जानेंगे क्या है मामला, क्यों ये मामला बेहद महत्वपूर्ण हो रहा है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कतर में इस वक्त हो रहा है वर्ल्ड कप, लेकिन आपको बता दें कतर को फीफा वर्ल्ड कप 2022 देना ये खुद में बहुत बड़ा विवादास्पद मुद्दा रहा है। सबसे पहले तो इस मामले में फ्रांस की एंट्री होती है। फ्रांस की एक मैगजीन कुछ इस तरीके की तस्वीरें पोस्ट करती है। इस तस्वीर में क्या दिख रहा है आपको, दरअसल इस मैगजीन का नाम भी जान लीजिए, इसका नाम है ली केनार्ड। ली केनार्ड ने अक्टूबर में अपना एक जो उनका पत्रिका होता है उस पत्रिका के नए एडिशन को जारी किया। इस नए एडिशन में इन्होंने दिखलाया है कि फुटबॉल प्लेयर्स हैं, पीछे में AK-47 है, गन है, और ये फुटबॉल प्लेयर्स देखने में तो ऐसे लग रहे हैं जैसे आतंकवादी हो। देखते ही देखते जैसे ये मैगजीन पब्लिश हुआ वैसे ही सोशल मीडिया पे छा गया। अब सोशल मीडिया पे जैसे छाया तो कतर के लोग भी इसके अगेंस्ट खड़े होने लगे। इन्होंने कहा कि फ्रांस अपने आप को डेमोक्रेसी कहता है लेकिन यहाँ पे खेल वाली भावना नहीं दिखा रहा है, ये बहुत गलत बात है। अब यहाँ पर बहुत तरह के रिप्लाई आने लगे, फ्रांस को कहा जाने लगा कि आप थोड़ा संभालो स्थिति को, ये बहुत गंदी बात है, गलत बात है। वैसे आपको बता दें फ्रांस में बहुत ज्यादा छूट दी जाती है कि आप अभिव्यक्ति की आजादी कर सकते हो, और ज्यादातर ये देखा गया है कार्टून के माध्यम से ये बहुत बार इस्लामिक आतंकवाद को लेकर कुछ न कुछ छापते रहते हैं। अब आपको याद होगा हाल ही में एक चार्ली हेब्दो नाम की मैगजीन है, इसने भी पैगंबर मोहम्मद के लिए एक कार्टून छापा था जिस पर बहुत ज्यादा हंगामा मचा था 2011, 2012, 2015, इसके अलावा 2020, इसमें लगातार इस तरीके के कार्टून छापे गए जिसके बाद बहुत बवाल भी मचा। लेकिन फ्रांस ऐसा नहीं है कि फ्रांस रुक जाता है, दुनिया भर के कई मुस्लिम देश हैं जो फ्रांस के जो ये मैगजीन या कार्टून बनाने वाले लोग हैं उन पर कुछ न कुछ कार्रवाई करती रहती हैं, लेकिन फिर भी ये रुकते नहीं हैं, ये अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से इस मैगजीन ने यहाँ पर भी पब्लिश किया, बहुत ज्यादा बहस हुई। हालांकि फ्रांस ने कहा कि देखो ये उस मैगजीन की अपनी सोच है, फ्रांस की सोच नहीं है, इसलिए इस मैगजीन की वजह से हमारे बीच के रिश्ते में दरार नहीं पड़नी चाहिए। वैसे फ्रांस, आपको बता दें फ्रांस में ही ये चीज नहीं है, जर्मनी में भी इस चीज को देखने को मिला। जर्मनी ने भी कहा था कि कतर में इसे ऑर्गेनाइज मत करो, इस वर्ल्ड कप को कतर में नहीं करने के पीछे एक बड़ा कारण बताया गया था। कतर में इस वक्त तीन चीजें हैं और इन तीन चीजों को लेकर दुनिया के देश हड़क रहे हैं कतर से। पहली बात ये है, कतर को ये पाया गया है कथित तौर पर कि मुस्लिम ब्रदरहुड, हमास, अलकायदा ऐसे संगठनों को कतर पैसा देता है किसी न किसी माध्यम से, पहली बात। दूसरी बात ये है कि कतर में कुछ चीजें देखने को मिली है, एक तो कठोर कानून है, दूसरी बड़ी बात ये है कि कट्टरवाद है, गे रिलेशनशिप, मानव अधिकार के रिकॉर्ड, और जिस तरीके से माइग्रेंट वर्कर्स के साथ कतर व्यवहार करता है यानी जो बाहरी लोग यहाँ काम करने आते हैं उन सब को लेकर दुनिया भर में क्रिटिसाइज होता है कतर का। इस पुराने फीफा के प्रेसिडेंट सेप ब्लेटर ने भी कहा कि वर्ल्ड कप कतर में कराना एक बहुत बड़ी गलती है, और ये गलती भी उन्होंने यही गिनाया कि यहाँ जो है तीन चार चीजें हैं जो बिल्कुल भी सही नहीं है, ऐसे में कतर को नहीं हक है, नहीं मिलना चाहिए इस तरीके के वर्ल्ड कप का आयोजन। हालांकि आपको बता दें इन्होंने ये भी कहा कि कतर बहुत छोटा है, साइज के हिसाब से भी फुटबॉल और वर्ल्ड कप उसकी तुलना में काफी बड़ा है। हालांकि जब ये फैसला लिया गया था ना तब ब्लेटर प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत फैसला था, वोटिंग हुई
और मैंने वोट किया था अमेरिका के लिए, पर किसी तरीके से कतर वोट अपने पक्ष में ले आया। खैर, इतना तो समझ में आ गया कि कतर ने वोटिंग में कुछ न कुछ जरूर झोल किया, जिसके बाद इसे वर्ल्ड कप के राइट्स मिले। ये तो मामला है वर्ल्ड कप का और कतर का, लेकिन भारत का क्या कनेक्शन है? तो आपको बता दें, एक खबर बहुत जोर शोर से आई, और ये आई कि 8 नेवी के एक्स जो पहले हमारे नेवी में काम कर चुके हैं, उसे कतर ने पकड़ ली रखा है। भारतीय दूतावास को इस बात की खबर 15 दिनों बाद पता चली, जब भारतीय दूतावास को कतर की सिक्योरिटी एजेंसी ने बताया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक कतर की एजेंसी ने ये नहीं बोला कि आखिर पकड़ा क्यों है, क्यों पकड़ कर रखा गया है, क्या चार्जेस लगाए गए हैं। शुरुआती दौर में तो ऐसा था कि इनके बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा था, लेकिन जैसे ही भारतीय एम्बेसी इस मामले में खुद ही, वैसे ही कुछ प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है। जैसे कि इन्हें कॉन्सुलर एक्सेस दिया गया, दूतावास से एक आदमी गया, इन्हें फोन पर अपने लोगों से बात करने की भी छूट दी गई। नवंबर तक में बहुत सारे अपडेट देखने को मिले। पिछले 10 दिनों से भारत सरकार लगातार कतर की गवर्नमेंट से बात कर रही है, लेकिन अभी भी ये चीज समझ में नहीं आया कि इसे पकड़ा क्यों गया। जैसा कि हमने आपको बताया है कि ये 8 अफसर काम करते थे एक कंपनी के लिए, दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी और कंसल्टेंसी। ये कंपनी में रिटायर्ड हैं, ये रिटायर्ड होने के बाद 4 से 6 साल से काम कर रहे थे। ये कतरी नेवी को ट्रेनिंग दे रहे थे, मेंटेनेंस के लिए ये कंपनी काम करती है। सारा कुछ अच्छा ही चल रहा था, यहाँ तक कि कतर में दोनों देश इस कंपनी को और इसके लोगों को रिकॉग्नाइज भी कर रहे थे, कह भी रहे थे कि कतर और भारत का रिश्ता इसमें बहुत सही हो रहा है। फिर आखिर इन्हें पकड़ा क्यों गया? अब एक खबर निकल कर आ रही है, ये पाकिस्तानी सोशल मीडिया यूजर के द्वारा खास तौर पर फैलाया गया कि दरअसल पाकिस्तान ने यहाँ पर कुछ इनपुट दिया है कतर को, यही वजह है कि इन्हें जासूसी के आरोप में पकड़ा गया है, और ये जासूसी कर रहे थे इजराइल के लिए। ये पाकिस्तानी सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है। यहाँ तक कि पाकिस्तान की फॉर्मर ह्यूमन राइट मिनिस्टर शिरीन मजारी ने भी इसी तरह के रूमर्स को हवा देना शुरू कर दिया है। हालांकि भारत ने इस बात को साफ किया है कि ऐसी कोई बात कतर ने नहीं कही है। और दूसरी बात, इजराइल के पास खुद ही मोसाद है, भारतीय नेवी अफसर्स की उन्हें कोई जरूरत नहीं है जासूसी कराने के लिए। लेकिन हाँ, यहाँ पाकिस्तान का एंगल हो सकता है। इसलिए एंगल हो सकता है क्योंकि इस वक्त कतर फुटबॉल की जो सिक्योरिटी है वो पाकिस्तान के हाथ में है। हमने आपको पहले भी बताया था, पाकिस्तानी सेना वहाँ पहुँची हुई है और वो ही पूरे कतर के सिक्योरिटी का चार्ज संभाल रही है। तो हो सकता है यहाँ कोई न कोई खेला पाकिस्तान ने किया हो, पर ये ज्यादा दिन चलने वाला है नहीं। वैसे जैसे ही कोई अपडेट आता है इस मामले में, मैं आपको फिर से बताऊंगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इसमें पाकिस्तानी एंगल है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।